मास्क पहन लो बेटा, ऊपर पूरे पहले बता दिया मैं पहले। हेलो, तो अभी हम जा रहे हैं छतरपुर एम्स से, वहाँ रूम पे सामान देखने की सही है या खराब हो गया है, और कुछ सामान लेके जाना है घर, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए जो कि यहाँ छोड़ गए थे फिर लॉकडाउन लग गया था। तो अभी जा रहे हैं, बब्बू है गाड़ी चला रहा है, अभी पीछे पुनीत है, और सीट बेल्ट पहन ले बब्बू जी आप। नहीं तो पत्ता देना पड़ेगा, हरी पत्ती, हाँ पीली पत्ती और गुलाबी पत्ती भी हो सकती है। तो चलिए, वी विल शो यू द आउटसाइड व्यू, कैसा है दिल्ली में, क्या स्थिति है अभी। देखिए केवल मेडिकल शॉप्स हैं यहाँ पे, तो वो खुली हुई हैं, बाकी टाइम पीरियड है, इतने बजे बंद हो जाती हैं दुकानें। कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं। 8 बजे के अराउंड दुकानें बंद हो जाती हैं, 8 बजे 7 बजे सुबह खुलती है, 10 बजे के करीब। तो ये सब सराय की मार्केट है, इसमें से ऐसा लग रहा है मुझे एक दुकान खुली है दूसरी बंद है, जैसा कि सीएम दिल्ली ने बोला है। गुरुद्वारा है इधर, ग्रीन पार्क, और ये मल्टी लेवल पार्किंग है जिसमें गाड़ियां पार्क कर सकते हैं आप, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड है पूरा। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया इसको, और इसी के जस्ट पीछे अपना इंडियन ऑयल की बिल्डिंग कहाँ गई, वो उधर छूट गई है पीछे। तो स्थिति नॉर्मल ही है अभी, मेट्रो भी चालू हो गई है दिल्ली में, कल मैंने भी ट्रैवल किया था उससे, तो हाफ सीटिंग के साथ में 50%, और स्टैंडिंग अलाउड नहीं है मेट्रो में, चलान कट रहे हैं बिना मास्क के कार में कोई भी नहीं। और कार भी एक पब्लिक प्लेस माना गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बोला है कि मास्क पहनना जरूरी है कार के अंदर भी, अगर आप अंदर भी हैं तो ये ना समझे कि प्राइवेट कार है तो वो पब्लिक प्लेस नहीं है। खैर जो भी बोलते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हमको फॉलो करना चाहिए सारे रूल्स, कॉलोनीज वगैरह तो हाँ, बाहर के मेन रोड है जिनको थोड़ा काम है वो अलाउड है उनको, और 2-4 बसें चल रही हैं, बसें भी ज़्यादा नहीं चल रही। पुनीत थोड़ा तेज बोलेंगे तभी आपकी आवाज आएगी। बसें वगैरह भी ज्यादा नहीं चल रही, कुछ कुछ बसें चल रही है, और बसों में भी ऐसे, और ये देखिए गिनती के पैसेंजर हैं जितनी सीटें हैं, और एक्स्ट्रा को बिठा भी नहीं रहे कि मतलब जैसे पहले खड़े होकर जाते थे ना कि जैसे नहीं है सीट वगैरह तो खड़े होकर चल जाओ, खड़े होकर भी नहीं है, और अगर मास्क बस में उतारा या कहीं भी उतारा तो उसका। ये बता दे कल रात को दिल्ली में बारिश हुई थी बहुत तेज, तो उसकी वजह से थोड़ा आज टेम्परेचर थोड़ा कम है कल के परसों के और 2-3 दिन पहले के मुकाबले में। टेम्परेचर तो इतना ज्यादा हो रखा था, मतलब पूरे दिन एसी चला के बैठना पड़ा था, ऐसा टेम्परेचर हो रहा था। बिल्कुल गलत बात है लोगों की, जब हमारे लिए ग्रीन लाइट हो रखी है तो ये बीच में जाना नहीं चाहिए उनको, ये ठुकने वाले काम, और क्रॉस भी करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से करें। देखिए बाइक्स वाले सब लोग सब मास्क, ये पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ की होती है लोगों को, आई डोंट नो व्हाई दे आर इन सॉरी हेस्ट। ये थोड़ी थोड़ी जैसे मेन जगह है ना वहाँ पे सारे बैरिकेड्स वगैरह लग रखे हैं एंट्री के हिसाब से, मास्क किसी ने भी नहीं पहना पूरी कार में, जैसे कि बैक सीट होते हैं ना कि बैक सीट में इंसान ने नहीं पहना तो चलेगा, मतलब पहले जैसे था, पर अब बैक सीट वालों का भी नहीं है, बैक सीट वाले हैं उन्हें भी पहनना पड़ेगा मास्क वगैरह। जो शॉप्स वगैरह हैं, शॉप्स तो सिर्फ वो खुल रखी है, मेडिसिन की शॉप खुल रखी है, थोड़ा खाने पीने के या फिर वेजिटेबल शॉप्स खुल रखे हैं, लेकिन इनका भी टाइम पीरियड बंद रखा है। ये यहाँ पे जैसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये मास्क वगैरह, हम बैकग्राउंड से म्यूजिक हटा रहे, क्लेम करते हैं सारे के सारे, बड़ी दिक्कत है हमको, गौर गाने चूज करने पड़ते हैं।
हम नहीं चाहते कि किसी का गाना है वो क्लेम करें, तो बस एक तो बनाए क्या, फिर जब एंटरटेनमेंट ही नहीं होना हमारा तो यार मेरा गाना लगा दो। फ्री है ना, लोग फ्री हैं लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, देखते हैं सारे के सारे। कंटेंट अच्छा क्या होता भाई, कंटेंट भाई मैं कह रहा हूँ कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी वीडियो तो कोई भी देख लेगा, है ना। बात तो सही है, सही बात। हम नहीं देख रहे, I'm into vlog, I'm into vlogs। कह रहा हम भी देख रहे हैं। ओहो हो, तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सब देखते हैं। फिर एक तेरे 100 के होंगे, फिर 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन। यार थैंक यू, दोबारा बहुत अच्छा, कसम से दिल से खुशी होती है। कह रहा दोबारा अच्छा भाई, भाई दिल से खुशी होती है भाई। और अभी हम बिल्कुल यहाँ से एक रोड साकेत के लिए कट जाती है, और जस्ट सामने कुतुब मीनार है। अभी दिख जाए तो आपको दिखाएंगे कुतुब मीनार को। लाइन वाइज नहीं, सबसे बड़ा भाई उसके बाद, उसके बाद तीनों लाइन। कितने कितने साल का गैप होगा दिल्ली में? साल का मैं हूँ 27 और 28 साल का हूँ। मैं 22 साल का, 22 साल के पीछे 18 का, 18 को लगा, मतलब 17 का लगा ले, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल का। दिसंबर में हुआ ना मैं, 18 का पूरा, 18 का पूरा हो जाएगा दिसंबर में। यस, 18 में पास करते हैं। देखिए दिल्ली में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या बताएं आपको। गर्मी कल जब मैं आया था तो इसको बोर्डर खत्म था इसके भी, किसी भी स्टेट ने अपने बॉर्डर ओपन नहीं किए हैं किसी दूसरे स्टेट के लिए। अभी दिल्ली तो 15 तक स्टे लगाया उन्होंने अपने ऑर्डर पे, मतलब उसके बाद ही डिसीजन लेंगे वो क्या करने वाले हैं। और जब मैं आया था कल परसों दिल्ली आया था, तो मैंने 6 गाड़ियाँ चेंज करी हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। 2 गाड़ी में काम हो जाता था तो 6 गाड़ियाँ चेंज करी। कभी तो एक ही में जैसे करते, कभी कभी श्रीनगर से डायरेक्ट भी मिल जाती है दिल्ली की, तो क्या कर सकते हैं। आगे बंदे देखेंगे ना अंग्रेज, अभी वो देखेंगे ज्यादा पैसे मिलते हैं। गाइस लुक, वी आर इन उत्तराखंड, सी ऐसे एस वी आर इन उत्तराखंड, वी आर गोइंग टुडे चंद्रवंदी टेंपल। कैन यू सी द माउंटेन, दैट्स वेयर वी आर गोइंग नाउ। Wow, I see the sun is rising. It's so beautiful. Sun is hot, I think. It's not beautiful. Huh? मास्क पहन लो बेटा ऊपर पूरे, पहले बता दिया ना पहले। ऑटो वाले को पकड़ ले भी। देखिए वो पुलिस वाले डीसीडी वाले हैं इधर। वो जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे उनके चालान वगैरह काट रहे हैं, जो भी हैं उनके साथ में। सही बात है, बीमारी फैल रही, इतने केसेस आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो अपनी ड्यूटी करे। हमको भी अपना एक मोरल ड्यूटी होती है वो निभानी चाहिए अपने कंट्री के लिए, कि हाँ भाई इतने केसेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ घर पे रहिए आप जहाँ पे, ठीक है, लेकिन जैसा ही बाहर निकले आप तो पब्लिक में भी नहीं पता है कि 5 एक साथ खड़े होते हैं, 2 आदमी और 2 लेडीज। ये डीसीडी है, दिल्ली सिविल डिफेंस है, ये पुलिस वाले नहीं है, सिविल डिफेंस है। एक साथ में ट्रैफिक पुलिस होता है तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको दी है, कि मास्क सारे लोग फॉलो करें। दिल्ली में केसेस आए तो 300 कुछ केसेस हैं आज या कल के, शायद उससे पहले 600, तो पहले बहुत ज़्यादा केसेस थे, 40-50 हज़ार केसेस आ रहे थे। अभी थर्ड वेव आनी बाकी है, सेकेंड वेव में तो फिलहाल लगभग कंट्रोल सा हो गया है। मुझे कुतुब मीनार पता नहीं इधर थी अभी कहाँ चली गई। वो कुतुब मीनार तो वहीं है लेकिन हम घूम के आ गए साइड को। पता है हम लोग यहाँ कहीं थे, जैसे कौन से एनटीएल की साइड था वो, हम गए थे नाम जगह का नाम क्या था, लंबा सा नाम था उसका, यहीं कहीं था किसी कट में। क्या स्कूल की तरफ से गए थे हम कुतुब मीनार? ना ना, अरे कोई इंस्टीट्यूट था जो साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं। अहिंसा स्थल है इधर था? अरे नहीं यार, ऐसी बॉर्डर थे, सब कुछ ऐसी था, मैं जगह का नाम भूल गया। एनएफएल था, क्या था उसका नाम,
ऐसे कुछ करके था, वहाँ गए थे। वहाँ की लाइब्रेरी देखे, पुलिस वाले चेकिंग करे जगह जगह पे जिन्होंने मास्क नहीं पहने। ये देखिए सीधा इधर गुड़गांव के लिए, और यहाँ से हम छतरपुर के लिए अंदर कट ले लेंगे। यहाँ से ऊपर मेट्रो का फ्लाईओवर ब्रिज है उसका, नारियल लीची 40-50 का 70 रुपए। ओ भाई इसको देख, कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, किनारे से निकल रहे हैं, रॉन्ग साइड से निकलेंगे, बिना हॉर्न मारे निकलेंगे, और कुछ होगा तो बोलेंगे कि दूसरे की गलतियाँ ढूंढेंगे, और साथ में अगर पीछे वाला हो तब तो ऐसे चलाएंगे। मार्केट तो फिलहाल खुली हुई है, कुछ दुकानें बंद है, कुछ खुली हुई है। देखिए हमें यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है। विराटपुर घूमते हैं। उसके आइडियाज उसका अपने ब्रेन का एक्सेस करने लग जाता है, जो बाटो पहले नहीं करता। नहीं पता ये वाला है, वहाँ लगा देंगे फिर आगे। हाँ भाई बताओ तो कौन सा वाला है। ये आ गए हम, अच्छा घर नहीं देखा गया इनका ना, कहा था तो पहली फर्स्ट टाइम तो गांव में थे। बैग ले लियो, हम पहुंच चुके हैं इधर, अभी यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। सही हो गया, हम आ गए हैं। ये छत है यहाँ से देखिए, अभी सनराइज वहाँ से होता है, सनसेट इस साइड को है। ये देखिए मैंने जो पौधे थे लगाए थे, अभी एक भैया पानी डालते थे, थैंक्स उनका, मैं यहाँ था नहीं। चलिए बहुत अच्छा नज़ारा है, ब्यूटीफुल। ये हम पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी है, इसमें इसमें भी है। साफ तो चेंज तो कर, चेंज किया है पानी तो, दिखाया तो चेंज तो कर दिया।